इवनिंग इन गोवा मीन्स गोवा की शाम। गोवा में शाम का दृश्य बहुत विचलित करने वाला होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कल कल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी और साथ में सनसेट के साथ साथ विदेशी लोगों का जमावड़ा इस सुंदरता को चार चांद लगा देता है। तो अभी मैं हूँ नॉर्थ गोवा के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर, जिसे रशियन बीच, अरम्बोल बीच और भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अगर आपने गोवा में शाम के समय विजिट नहीं किया तो अब समझो आपने कुछ नहीं देखा और आपकी गोवा ट्रिप बर्बाद चली गई। इसीलिए आज मैं आपको दिखाने और बताने के लिए लेकर आ गया हूँ कि इवनिंग इन गोवा मीन्स गोवा में शाम का दृश्य कैसा होता है, क्या क्या होता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो पूरे गोवा में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लेकिन सारे विदेशी लोग गोवा के अरम्बोल बीच या फिर कहें रशियन बीच पर शाम के समय ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई सब्जी मंडी लगी हो, और यहीं पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे देंगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई अपनी कंसर्ट प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए इनके लिए बहुत ही अच्छी जगह ये है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई रुकावट है, ना कोई यहाँ पर रोकने वाला है। और सारे लोग भिन्न भिन्न देशों से आए हुए लोगों के साथ बातचीत करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर आपके अंदर भी एबिलिटी है तो आप भी यहाँ पर खुद ही अच्छे फ्रेंड बना सकते हो, जैसे कि मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं अभी आगे चल के आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर अरम्बोल बीच से आगे चल के मांड्रम बीच की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, और मांड्रम बीच और अरम्बोल बीच दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवा बीचेज, बेस्ट बीचेज इन नॉर्थ गोवा, गोवा टूरिस्ट प्लेसेज, गोवा विजिटिंग प्लेसेज, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप एक बार चेकआउट ज़रूर ज़रूर करना।